हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन रैम्बो सिस्टम 2022 के सबसे लेटेस्ट मॉडल के वीडियो बना रहे दोस्तों। और आज हमारे यहाँ कस्टमर आए झारखंड से स्पेशली यहाँ पे कस्टमर आए यहाँ पे मशीन का डेमो देखने के लिए और मशीन बुक करा के साथ में ही ले जाने के लिए मशीन आए। तो मशीन के अंदर हम आइसक्रीम बना के इसको चला के इसमें मिल्क डाल के पाउडर डाल के मेल्ट करके मशीन चला के इसका रेम्बो का टॉपिंग्स डाल के और मशीन से निकाल के आइसक्रीम का टेस्ट करा के सर को बताने वाले। तो थोड़ा सर से हम बात कर लेते एक बार। हेलो सर। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? सर नारायण मुंडल सर। मिस्टर नारायण जी, ओके सर, आप कहाँ से आए सर? सर झारखंड का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से। झारखंड में गिरिडीह जिला से। गिरिडीह जिला से, अच्छा। और सर आपने हमारी, वैसे हमारा तो गुजरात में भावनगर है, आपसे बहुत ज्यादा दूर और बहुत ज्यादा डिस्टेंट है, तो सर आपने हमारा डिटेल्स कहाँ से मिला आपको? यूट्यूब से सर। यूट्यूब में वीडियो देखा होगा आपने, उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट करके आया होगा कंपनी में। अच्छा, और सर हम जो यूट्यूब में हमारे व्यूवर्स को कस्टमर को बताते हैं कि हमारा चीज ऐसा है, हमारा काम ऐसा है, तो यहाँ पे फैक्ट्री पे आके वो आपको काम ओरिजिनल लगा? ओरिजिनल लगा सब काम, ओरिजिनल लगा जी सर। ऐसा कोई फ्रॉड का ऐसा काम लगा आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा ना। और हम जो वीडियो में हमारी मशीन बताते हैं कि ये सिस्टम है, ये फंक्शन है, तो वो एक्चुअल में लगी आपको? एक्चुअली में लगा सर। वैसे तो आप सॉफ्टी मशीन ले रहे हैं, कोई कस्टमर तो दो तीन जगह पे देखेंगे फिर लेंगे मशीन, तो ऐसे आपने कहीं पे देखी मशीन? जी देखा मैंने सर, दो तीन जगह पे देखी है मशीन जी सर। और उन लोगों की मशीन और हमारी मशीन में कुछ फर्क दिखा सर आपको? बिल्कुल डिफरेंट पड़ा सर। डिफरेंट पड़ा, जैसे हम वीडियो में बताते कि मार्केट में मशीन और हमारी मशीन में क्या फर्क है, वो अंतर दिखा आपको यहाँ पे? जी सर। अच्छा सर, दो तीन जगह पे देख के आए और हम जो चीज दे रहे, हम जो क्वालिटी दे रहे वो चीज, और सर को वहाँ पे उन्होंने जो मशीनें देखी उसमें बहुत सारा अंतर दिखा, इसलिए हमारे यहाँ फैक्ट्री में आए और मशीन चेक करे और साथ में मशीन लेके जा रहे हैं इसके अंदर। तो सर को अभी हम मशीन के अंदर आइसक्रीम और पाउडर बना के चेक करवा के पूरा कंप्लीट करके चेक करवाएंगे और आपके सामने रिव्यू देंगे सर का, कि सर को आइसक्रीम कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा। अभी एक किलो पाउडर है हमारा वेनिला का फ्लेवर से और 4 लीटर मिल्क हम इसके अंदर डालेंगे, उसमें से अराउंड 115 से 120 का कॉर्न का बेकअप मिलेगा और इसके अंदर टॉपिंग्स और सब लगा के पूरे वीडियो के अंदर पूरा देने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से देखिए, एंड तक आप जरूर देखिए। सबसे पहले जो ये मिल्क रहता है, ये 500-500 ग्राम का बैग है, ये हम मिल्क डालेंगे इसके अंदर। टोटल 8 बैग है 500-500 ग्राम का, इसलिए अराउंड 4 लीटर मिल्क होगी इसका। उसके बाद हम इसका पाउडर है जो 1 किलो का पैकेट वो डालेंगे। अभी हम मशीन के अंदर इसको गुजार देंगे। दोनों में भी हम एक ही फ्लेवर डालेंगे, आधा आधा दोनों में कर देंगे इसमें। इसका हम ढक्कन है, इसको ढकने के ऊपर से अब मशीन को यहाँ से हम फ्रीजिंग का बटन है, फ्रीजिंग के बटन के ऊपर मशीन को स्टार्ट कर देंगे, इसलिए आइसक्रीम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अराउंड 10 से 12 मिनट टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम में अभी मशीन स्टार्ट किया है हमने, अब इसका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा आपको कितना टेम्परेचर है, 34 का टेम्परेचर जहाँ पे आइसक्रीम जम रहा है उसका टेम्परेचर है, और 14 का टेम्परेचर है जहाँ पे हमने मटेरियल डाला है, और कितना परसेंट आइसक्रीम है यहाँ पे रेडीमेड दिखा रहा है। जब आइसक्रीम तैयार होगा पूरा कॉन बन के तैयार हो जाएगा, इसका रेडीमेड हो जाएगा। 10 से 12 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद हम फिर आपके सामने लौटते हैं और इसमें हम रेम्बो का टॉपिंग्स भी डालेंगे। ये टॉपिंग्स है, ये लाइन के अंदर टॉपिंग्स भी एड करेंगे इसमें, इसका पीछे बाउल है टॉपिंग्स का, देख सकते हैं यहाँ पे।
जो चॉकलेट का टॉपिंग सर इसमें ऐड करें क्या? चॉकलेट टॉपिंग से ऐड कर दिया है, उसको हम यहाँ से लाइन में ले लेंगे चॉकलेट टॉपिंग्स को। यहाँ पे बटन इसका दिया गया, उसमें वॉश बटन दबा के यहाँ से भी लाइन में चॉकलेट टॉपिंग्स आ जाएगा इसका। उसका लाइनिंग दिया गया, इसे चॉकलेट टॉपिंग्स आ जाएगा सर। देख सकते हैं धीरे धीरे लाइन में आ रहा है चॉकलेट टॉपिंग इसका। देख सकते हैं यहाँ पे यदि लाइन में आ चुका है इसको बंद कर देंगे। अभी आइसक्रीम जमेगा, 10 से 12 मिनट में आपके सामने फिर से लौटते हो, सर को टेस्ट कराते, आइसक्रीम चेक कराते हो, सबको पूछते रिव्यू में कि उनको कैसा आइसक्रीम लगा है। थैंक यू। अभी आइसक्रीम रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अभी इसके अंदर कोन में आइसक्रीम भर के सर को टेस्ट कराएंगे। आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी का आइसक्रीम निकला है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी। इसका पॉइंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और क्रीमी है। लीजिए सर, थोड़ा टेस्ट करके बताइए। और दूसरा कौन हम बनाएंगे टॉपिंग्स वाला, जो रेनबो में चॉकलेट डाला है वो टॉपिंग्स वाला कौन बनाएंगे उसमें? साथ में निकला है, देख सकते हैं चॉकलेट बॉर्डर लग के निकला है। जो कस्टमर टॉपिंग्स वाला मांगते हैं उसको बटन दबाना है तभी टॉपिंग्स निकलेगा। ये भी टेस्ट कीजिए सर। जैसा लगा सर टेस्ट? अच्छा टेस्ट है, एकदम क्रीमी लग रहा है। बर्फ आ रहा है जरा भी? क्रिस्टल जो आते कचकच बोलते हैं ऐसा कुछ है? बर्फ आ रहा है जरा भी नहीं आ रहा है ना बर्फ? एकदम क्रीमी आ रहा है। और वेनिला का फ्लेवर कैसा है? अच्छा अच्छा लगा ना वेनिला का फ्लेवर? और कैसा है सर आपको कैसा लगा? बढ़िया है। टॉपिंग्स वाला भी अच्छा लगा आपको? तो आप देख सकते हैं इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का मशीन में से हमने आइसक्रीम निकाला है। और भी है, मैं आपको एक जंबो कोन निकाल के भी बताता हूँ, उसमें हैवी कोन भरना है तो भी भर सकते हैं आप। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वालिटी से कौन भरा है हमने। तो दोस्तों इस तरह की मशीन के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए दोस्तों। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स और वेराइटी है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।